चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये तीसरा लेक्चर है। सो ध्यान से पढ़िएगा। पिछले वीडियो में हमने बात किया था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में। आफ्टर इट दूसरे वीडियो में हमने बात किया था उसके कुछ निगेटिव रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन और पॉसिलेट भी निकाला था। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पॉसिलेट क्या था उसके बारे में भी जाना था। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, एक एस फ्रेम बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। एक बनाएंगे पहले एस फ्रेम, ये हमारा एक्स वाई एंड जेड। एक इसी में एस डैश फ्रेम बना लेंगे जिसे आप एस प्राइम फ्रेम भी बोलते हैं। यहाँ पर इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम जेड प्राइम वाई प्राइम। यहाँ पर ऑब्जर्वर ओ, ऑब्जर्वर ओ प्राइम। सबसे पहले आप गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन जाइए। देखिए लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपको गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ में आया। आई बटन में लिंक दिया गया है गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन का, जाइए वहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे, एक हमने पॉइंट ले लिया है पी। अब ये मत सोचिएगा कि हमने जो पॉइंट लिया है ये सिर्फ एस प्राइम फ्रेम में ही लिया है, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारा एस फ्रेम हुआ, ये हमारा एस प्राइम फ्रेम हुआ, ठीक। ये वाला एस प्राइम फ्रेम, ये हमारा एस फ्रेम। हमने एक पॉइंट लिया है जिसे मान लीजिए कोई बालक यहाँ पर खड़ा है, अगला बालक मूव कर रहा है, तो जो खड़ा है यहाँ पर वो एस फ्रेम है, मतलब वो एट द रेस्ट, और जो मूव कर रहा है कम या ज़्यादा स्पीड से, अगर वो रिलेटिव मोशन से स्पीड कर रहा हो यूनिफॉर्मली मोशन से, वो भी हमारा एस फ्रेम ही होता है। ये सब चीज़ हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे यक्स के लिए, मतलब एस फ्रेम के लिए, इसके लिए जो पी की वैल्यू होगा यक्स कामा वाई कामा जेड कामा टाइम टी होता है ना फ्रेम। और जो एक्स प्राइम फ्रेम के लिए होगा यक्स प्राइम कामा वाई प्राइम कमा जेड प्राइम कमा टी प्राइम, ठीक। अब यहाँ पर समझेंगे, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था वहाँ पर आपने टी इक्वल टू टी प्राइम मान लिया था, और वहाँ पर बताया भी गया था टी इक्वल टू टी प्राइम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार। लेकिन आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे यहाँ पर टी इक्वल टू टी प्राइम नहीं माना जाएगा, ध्यान समझिएगा। बस इतना अंतर है, वहाँ पर टी इक्वल टू टी प्राइम मान के किया गया था, यहाँ पर जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा दोनों में। चलिए शुरू करते हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अनुसार जो मेजरमेंट होगा, ध्यान समझिएगा, द मेजरमेंट इन यस फ्रेम इन एक्स डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मेजरमेंट इन एस प्राइम फ्रेम इन एक्स डायरेक्शन ही होगा। यहां पर भी मतलब नहीं समझ पाए, कोई बात, मतलब कहा जा रहा है कि यहां पर x के डायरेक्शन में हम मेजरमेंट करते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में, हमें y और z से नहीं मतलब y इक्वल टू y प्राइम होगा, z इक्वल टू z प्राइम होगा। यही चीज आपने गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन में भी किया था। तो यहां पर इस पॉइंट P पर ध्यान समझेंगे, इस पॉइंट P पर जो मेजरमेंट होगा वो s फ्रेम के लिए और s प्राइम फ्रेम के लिए x ही डायरेक्शन में दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब यहां से यहां तक अगर हम वैल्यू बताएं तो ये एक्स प्राइम होगा क्योंकि यस फ्रेम के लिए है, यहां से यहां तक देखिए एक्स प्राइम ही है। बट यहां से यहां तक अगर देखें तो क्या होगा, एक्स होगा, यहां से यहां तक देखें एक्स होगा। और ये जो है यहां ये वीटी होता है, ये सब चीज हमने गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक्सप्लेनेशन से बताया था, क्लियर, समझ में आया। मतलब कोई यहां पर रेस्ट पर है, यहां से यहां तक कोई पहुंचा तो कोई v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा इन द टाइम ऑफ t। यदि हम इस फ्रेम के लिए लेंगे तो vt लेंगे, अगर हम इस फ्रेम के लिए लेंगे तो t डैश लेंगे, t प्राइम लेंगे। वहां पर t इक्वल टू t प्राइम था इसलिए हम इक्वल कर दिए थे, बट यहां पर टाइम t लग रहा है,
टाइम टी लग रहा है, यहाँ पर टाइम टी प्राइम लग रहा है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर वी टी प्राइम लेंगे, इसकी बात करेंगे तो वी टी लेंगे। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो पहले एक्स प्राइम की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे जिसकी वैल्यू पहले निकालें, हेंस एक्स प्राइम की अगर वैल्यू निकालें कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वी टी, एक्स माइनस वी टी। आप यहाँ पर बता रहे हो प्रोपोर्शनल होता है, हमने कर दिया, तो x प्राइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट लगा देते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हट आते हैं तो क्या हो जाता है, x माइनस में वी टी, एक्स प्राइम निकल के आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप बताओगे या फिर जब हम आप x निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमको, जहां जहां x प्राइम है वहां वहां क्या कर देंगे, प्राइम हटा देंगे, तो x इक्वल टू के, और जहां जहां प्राइम नहीं है वहां वहां लगा देते हैं x प्राइम, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं वी टी प्राइम। ये चीज समझ में आया, सबको क्लियर हुआ है, हमने पहले भी बताया है। वहां पर क्या किए थे, t इक्वल टू t प्राइम कर दिए थे, गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन यहां पर t इक्वल टू t प्राइम नहीं होगा, यहां पर क्या करेंगे, प्राइम है हटा दिए, के यहां पर प्राइम नहीं है लगा दिए, माइनस है प्लस प्लस होता तो माइनस कर देते, v हमारा सेम ही रहेगा, t हमारा प्राइम, ठीक। चलिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब बताएंगे यहां से यूजिंग सेकेंड पास्टुलेट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकेंड पास्टुलेट यूज करेंगे। सेकेंड पास्टुलेट क्या होता है, ऑल द फिजिक्स लॉ आर वैलिड एंड सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम, लिख लेंगे ऑल, ये फार्मूला आता है याद रखेंगे, ऑल द फिजिक्स लॉ या फिजिकल लॉ आर वैलिड एंड सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम, ठीक। तो आप यहां पर बता सकते हो यहां पर x प्राइम की वैल्यू x में भी रख सकते हैं, x की वैल्यू x प्राइम में भी रख सकते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये चीज आप यहां पर नोट कर लीजिएगा, हमने पास्टुलेट में भी बता दिया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्राइम इन इक्वेशन नंबर सेकंड, x प्राइम वैल्यू हम सेकंड में ले जाएंगे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा, k, x प्राइम की वैल्यू क्या है, k x माइनस वी टी और प्लस में वी टी प्राइम, समझना सबको, k यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो k x माइनस में k वी टी प्लस में वी टी प्राइम, तो यहाँ पर अगर k हटा दें तो x अपान k आ जाएगा, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखेंगे vt प्राइम इक्वल टू, तो ये सभी इधर चले जाएंगे तो x अपान k माइनस में k x प्लस में k vt, सबको क्लियर हुआ, x अपान k माइनस में k x प्लस में k vt मिलेगा, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हमें चाहिए थी, क्योंकि x प्राइम की वैल्यू हमने निकाली है, t प्राइम की भी वैल्यू चाहिए थी, t प्राइम निकालेंगे यहाँ से, तो t प्राइम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x अपान ये v अपान नीचे आ जाएगा, तो के वी माइनस में के एक्स अपान वी प्लस में के वी टी अपान में वी, वी से वी कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं के टी प्लस में, या फिर आप इसको पहले लिख लीजिए के एक्स अपान वी, चाहे जिसको पहले लिखिए हो तो आपको कैलकुलेशन करना है एक्स अपान के वी, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये टी प्राइम की वैल्यू निकली। और जब सॉल्व करेंगे टी प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी प्राइम इक्वल टू यहाँ से के टी एज इट इज लिख लेंगे माइनस में, इसमें भी के है इसमें भी के है, एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी वी इसमें भी इसमें भी, क्या कॉमन कर लेंगे, के एक्स अपान में वी कॉमन कर लीजिए, जब के एक्स अपान वी कॉमन करेंगे माइनस में कॉमन करें तो यहां पर बचा वन माइनस में, इसमें के एक्स अपान वी कॉमन कर रहे हैं तो मतलब एक्स अपान के वी था ही, जो कॉमन करते हैं उसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें भी डिवाइड करेंगे के एक्स अपान वी तो वन बचेगा, सबसे सिंपल तरीका यही होता है के एक्स अपान वी हो जाएगा, v से v कैंसिल, x से x कैंसिल, ये k से k स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा kt माइनस में kx अपान v 1 माइनस 1 अपान k स्क्वायर, ये t प्राइम की वैल्यू मिली। यहाँ तक नोट करें सब बच्चे, नोट करें, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्लियर होता है सबको।
नोट कर लिए, क्लियर। सो जो आपको वैल्यू मिली है, जो x प्राइम, हमें प्राइम की ही वैल्यू निकालनी है, तो x प्राइम वैल्यू क्या मिली है, k x माइनस में vt, और जो हमें मिली है t प्राइम की वैल्यू, t प्राइम इक्वल टू kt माइनस में kx अपान v, 1 माइनस 1 अपान k स्क्वायर। ये वैल्यू आप नोट कर लेंगे, इसको वैल्यू हम हटा देते हैं, इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मान लेते हैं। ये हमारी वैल्यू फर्स्ट मिली थी, ये हमारी वैल्यू थर्ड मिल गई, नोट करिए, हटा दिया जाए इसको, इसको हटा दिया जाए, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप ध्यान से, फर्स्ट जो आपको वैल्यू मिल गई है उसमें देखिए वैल्यू भी के है, जो थर्ड में वैल्यू मिली है उसमें भी वैल्यू के इज ए कॉन्स्टेंट, तो कोई वैल्यू आप कॉन्स्टेंट के टर्म में थोड़ी निकालते हो, तो आपको के की वैल्यू चाहिए। के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। यहां से अगर हम इसकी बीच की डिस्टेंस निकालें, ये क्या हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस होगा किस वेलोसिटी, डिस्टेंस बराबर होता क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो ये किस वेलोसिटी से मूव करा है, सी विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि कोई लाइट जा रही है ना यहां से, एंड टाइम क्या लग रहा है टी। और इसकी वैल्यू यदि हम फाइंड करें, यहां पर लिख लीजिएगा एक्स प्राइम, इसकी वैल्यू यदि हम फाइंड करें, इसकी वैल्यू, क्योंकि ऑलवेज सी की वैल्यू इक्वल होती है, तो ये विद वेलोसिटी ऑफ सी, ये भी कोई लाइट ही जा रही है, लेकिन यहां पर टाइम क्या लग रहा है टी प्राइम, सी टी प्राइम, तो यहां पर लिख सकते हैं यूजिंग सेकेंड पास्टुलेट, सेकेंड पास्टुलेट क्या था, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज इक्वल होती है, देख रहे हैं यहां इस फ्रेम के लिए भी, इस फ्रेम के लिए भी हमारी स्पीड ऑफ लाइट इक्वल है। तो आप यहां पर बता सकते हो हेंस डिस्टेंस एक्स, जो ये डिस्टेंस क्या है, अरे यहां से यहां तक का डिस्टेंस, या फिर इसके लिए डिस्टेंस, वही बताओगे, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको सी टी, एंड एक्स प्राइम इक्वल टू क्या मिल जाएगा सी टी प्राइम। बोला यहां तक सबको समझ में आया, सबको समझ, अरे भाई देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स है, डिस्टेंस एक्स है, तो जितना डिस्टेंस ये है, ये लाइट ट्रेवल कर रही है इस पॉइंट पी पर, कोई सा भी पॉइंट है, आप ये मत समझिएगा ये सीधी रेखा है ऐसी जा रही है, ऐसे कुछ बात नहीं। मान लीजिए ऑब्जर्वर आप वहां पर कोई पॉइंट रख दिए हो, फ्लैट पे यहां पर कोई पॉइंट रखे होते हैं, हम डिस्टेंस इक्वल मानेंगे, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी सी टी के बराबर, जो डिस्टेंस आप निकालोगे, ये डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस एक्स प्राइम, तो ये वैल्यू रखोगे एक्स इक्वल टू सी टी, एंड एक्स प्राइम इक्वल टू सी टी प्राइम। पुटिंग दिस वैल्यू इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वैल्यू आप पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपको दिख रहा है, अभी अभी हमने कराया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, वो रहा x प्राइम इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। x प्राइम की वैल्यू, तो x प्राइम वैल्यू क्या है सी टी प्राइम, एक मिनट, सी टी प्राइम इक्वल टू के एक्स की वैल्यू सी टी माइनस में वी टी, ना तो आप इसको लिख सकते हैं t कॉमन कर लेंगे तो के टी सी माइनस में v, ये सी टी प्राइम की वैल्यू आ गई, इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर फोर। और फर्स्ट में जब रखेंगे तो सेकंड में, तो x प्राइम क्या था, ये इक्वेशन फर्स्ट था हमारा, आपको याद होगा वो मैंने लिखा भी है, और जो सेकंड था x इक्वल टू के एक्स प्राइम प्लस में वी टी प्राइम था। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है सी टी इक्वल टू के की वैल्यू क्या है आपको अभी निकालेंगे हम, x प्राइम की वैल्यू सी टी प्राइम प्लस में वी टी प्राइम, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे t प्राइम कॉमन है के टी प्राइम, कई लोग डैश भी बोलते हैं, सी प्लस वी इक्वेशन नंबर फाइव, मल्टीप्लाइंग कर देंगे तो हमारा यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आराम से निकल आएगा, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सी टी प्राइम मल्टीप्लाई में सी टी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर टी टी प्राइम। अरे भाई अगर नहीं समझ में आया तो पहले इसकी वैल्यू लिख लो के टी
सी माइनस वी, और दूसरा ये ब्रैकेट में दूसरा हो जाएगा हमारा के टी प्राइम सी प्लस वी। तो यहाँ से आपको निकला क्या सी स्क्वायर टी टी प्राइम इक्वल टू ये क्या निकला के इंटू के स्क्वायर टी टी प्राइम ए माइनस बी ए प्लस बी सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर। ये टी टी प्राइम से टी टी प्राइम कैंसिल हो गया, क्या बचा आपको के स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकाल लें क्या हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर। और भी से सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे के स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ऊपर था ही, इसमें भी सी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए क्या हो जाएगा सी स्क्वायर जगह वन माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। अरे बालक मैं बार बार बता रहा हूँ सी स्क्वायर कॉमन करोगे तो उसी से डिवाइड करते सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये तो वन हो गया, ये वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, तो वन अपान वन माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ये के स्क्वायर की वैल्यू अगर के की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा वन, तो अंडर रूट कुछ होता नहीं है, वन अपान रूट में वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, ये के की वैल्यू आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, जब फर्स्ट एंड थर्ड में रखेंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी, हम सिर्फ के की वैल्यू को निकालने के लिए इतना सब काम किए थे। लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, वैल्यू रख दीजिए जब फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे क्या मिल जाएगा x प्राइम इक्वल टू के की वैल्यू क्या है वन अपान अंडर रूट में वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, और x माइनस में वी टी प्राइम की वैल्यू हमारी आ गई। यहाँ पर कोई कांस्टेंट है नहीं अर्थात हमारी वैल्यू निकल गई, यहाँ पर k कांस्टेंट था इसलिए कोई वैल्यू फाइंड करना मुश्किल हो रहा था इसलिए हमने ये सब किया। आगे चल के आपको अगर फार्मूला मिल जाए भी हम क्वेश्चन कराएंगे तो k की वैल्यू क्या रखेंगे, तो आपको इसके टर्म में मिल गया v और c के ही टर्म में मिल गया, अदरवाइज आपको k की वैल्यू क्या रख दे पता ही नहीं था। फिर इक्वेशन नंबर जब तीन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसे इक्वेशन नंबर बना लीजिए, ये बना था हमारा चार, ये इक्वेशन नंबर पाँच। तो इक्वेशन नंबर थ्री में रखेंगे तो क्या हो जाएगा t प्राइम इक्वल टू k की वैल्यू क्या है k की वैल्यू वन अपान अंडर रूड वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर इंटू में टी माइनस में के की वैल्यू फिर रखेंगे तो यक्स था ही यक्स अपान, देखिए के की वैल्यू रखेंगे तो अपान में है तो वी अंडर रूड वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर बचेगा। ऐसा क्यों होगा क्योंकि के क्या है हमारी वन अपान में है, तो वन अपान में करोगे तो नीचे ही तो जाएगा वन माइनस वन अपान के स्क्वायर मतलब इतने का स्क्वायर, तो इतने की स्क्वायर करेंगे तो वन अपान वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। अरे वैल्यू जब निकालोगे स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट तो हट जाएगा। अब क्या हुआ टी प्राइम इक्वल टू ये क्या बचा टी अपान अंडर रूट में वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस में यक्स अपान वी अंडर रूट में वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर ना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो यक्स अपान वी ऊपर ही कर देते चाहे जैसा भी करो वन माइनस ये ऊपर जाएगा ध्यान समझना क्लियर समझ में आएगा ये चीजें हमारी ऊपर जाएंगी। अरे भाई देखिए काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं वन अपान के स्क्वायर था ना, तो वन अपान के स्क्वायर मतलब के की वैल्यू क्या थी वन अपान अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर था ना, तो वन अपान अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर था, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर साथ में माइनस उल्टा लिख दिए थे थोड़ा इसीलिए बच्चे अब ये ऊपर चला जाएगा तो वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। अब क्लियर है सबको सबको समझ में आया चलिए क्या बचा हमारा टी अपान अंडर रूट में वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस में इसे लिख सकते हो एक्स अपान वी क्योंकि हमें ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू इक्वल करनी है तो आप इक्वल भी कर सकते हो तो आसानी होगी जिसके फॉर्म में आपके लिखा गया था इसे लिख सकते हो एक्स अपान वी डिवाइड बाय बीच में माइनस है डिवाइड बाय अंडर रूट में वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर और इधर क्या बचा वन माइनस वन प्लस में वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। तो ओवरऑल जब डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है तो आप कॉमन कर लेंगे तो वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर ऊपर क्या बचा टी माइनस ये ऊपर क्या बचा यक्स अपान वी ये एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा ये वैल्यू नोट करिए नोट कर लिए
क्लियर है सबको। चलिए अब उसको लिखेंगे, हमें मिलेगा क्या, टी प्राइम इक्वल टू, ये टी बचा टी माइनस ये वी एक्स अपान सी स्क्वायर, वी एक्स अपान में सी स्क्वायर टोटल बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, ये टी प्राइम की वैल्यू निकल गई। एक्स प्राइम भी आपने निकाला था, ये एक्स माइनस वी टी था ना, एक्स माइनस वी टी अपान अंडर रूट में वन माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर एक्स प्राइम की वैल्यू, और आप जानते हैं वाई प्राइम जो होगा वाई के ही वैल्यू आएगा एंड जेड प्राइम जो होगा जेड के बराबर ही आएगा। दिस फोर इक्वेशन आर कॉल्ड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यही इक्वेशन हमारे क्या कहलाते हैं, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपको पीडीएफ लिंक पानी है, पीडीएफ नोट्स पाना है, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए @यूनियन क्लास, वहां पर सर्च करेंगे, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पर आप जाकर पीडीएफ भी पा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी वहां पर मिलेंगे, वहां पर सर्च करेंगे विवेक मिश्रा 2870, लिंक आपको दिया जा रहा है। फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको अपने चैनल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, वहां पर हम डिस्कस भी करते हैं, साथ साथ बातें भी होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वहां पर भी मेंशन कर सकते हैं। साथ साथ यदि आप हमें आप ट्विटर पर फॉलो किए रहेंगे तो आपको हमेशा अपने चैनल से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होंगे सब आपको मिल जाएंगे अपने ट्विटर अकाउंट पर @यूनियन क्लासेस।